मैं ये नहीं मानूंगी कि बिहार के पास कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। बस हमारी इतना ही है कि इनके पास जो क्वालिटी है उसको हमने फाइंड आउट करना, निकालना। जैसे समंदर के अंदर से आपने मनी निकालता है, पर्ल निकालती है, वो हमने खोजना है। 2028 की जो ये मिशन है चकदे इंडिया, तो ये सब नॉट ओनली फॉर द बिहार, ये हमारी इंडिया का है। तो हमने इस मिशन को कामयाब होने देना है, इसके लिए हम जी जान से हेल्प करूँगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर्स की कमी है, ये तो देख ही रहे हैं आपकी यहाँ कोर्स की कमी है। मेरे से गिने चुने होगा, शायद 2-3-4 होगा, तो ये इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। एक तो एक जो बच्चा है इसे जुनून होना चाहिए, मुझे क्या बनना है। ये जैसे थोड़ा खेल लिया, मेहनत करना पड़ेगा, मुझे एम रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपकी बिहार की इन्हों में बहुत इंदोरेंस है, बहुत पावर है, बस इनको सही ढंग की गाइडेंस चाहिए। इसमें बहुत 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 चेंज आएंगे, बहुत चेंज ऐसे चेंज आएंगे आपके सामने देखेंगे ये चीज़, क्योंकि आपकी जो बिहार पहले की जो नक्शा है ना उसे पूरा पलक जाएंगे। ये मेरी मानना भी है और ये देखेगी आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं इम्फाल से, कुंजरानी देवी। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से बिहार में जो इनिशिएटिव लिया गया है कि 2028 के ओलंपिक गेम में किस तरह से बिहार के बच्चे आगे बढ़े, इनसे जुड़े तमाम चीज़ों में बात करेंगे मैम से। मैम, सबसे पहले ट्रस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच जी। मैम, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं आप, तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि वेट लिफ्टर का मतलब क्या है और बिहार में जो लड़कियां हैं कैसे आगे बढ़ें। वेट लिफ्टिंग ये एक ताकतवर का काम है और बहुत दिक्कत हर गेम में होता है और फील्ड में होता है, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे इंजीनियर की हो, चाहे IPS हो, चाहे IAS हो, दिक्कत होता है। दिक्कत को सामना करना है। और सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी और रविंदर सार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको इस स्कीम के लिए, इन्होंने स्कीम को आगे लाने के लिए स्पोर्ट्स बिहार स्पोर्ट्स को और आगे 2028 में ये मिशन ओलंपिक मेडल लाने के लिए ये जो मिशन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और वेरी एक्साइटेड भी हूँ। और मैं इनको ये बेस्ट विशेष दूंगी और इनकी जितना भी ज़रूरतमंद होगा, जो हमसे जो जितना हेल्प होगा या मोरली सपोर्ट, फिजिकली जो हमको क्या करना चाहिए आपके प्लेयर्स के साथ, एसोसिएशन के साथ और फ्रॉम द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ साइट एंड फेडरेशन साइट से किसी भी एंगल में हम रेडी है हेल्प करने के लिए। और आई आपकी बिहार मैं कमज़ोर नहीं समझता, क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने में आपकी बिहार की मजदूर करता है, अपने दम से उठता है। और मेरी मानना यह है, हाईएस्ट आपकी IPS है, IAS है और एजुकेटेड लोग मैं देखती हूँ इधर से निकलती है आपकी बिहार से। तो मैं ये नहीं मानूंगी कि बिहार के पास कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। बस हमारी इतना ही है कि इनके पास जो क्वालिटी है उसको हमने फाइंड आउट करना, निकालना। जैसे समंदर के अंदर से आपने मनी निकालता है, पर्ल्स निकालती है, वो हमने खोजना है। वो खोजने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगी, जिसको रास्ता भटक रहा है उसको सही दिशा में, जिसकी पास जानता है, और जो अभी वो टाइम आ गया उसी को निकालने के लिए रविंद्र सार आ गए, तो इनके साथ हम देके उसको निकालती है। और 2028 की जो ये मिशन है चकदे इंडिया, तो ये सब नॉट ओनली फॉर द बिहार, ये हमारी इंडिया का है। तो हमने इस मिशन को कामयाब होने देना है, इसके लिए हम जी जान से हेल्प करूँगे। मैम, बिहार में उन लड़कियों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि जैसे कि आप वेट लिफ्टर के रूप में बहुत बड़े लेवल पे काम किए हैं और जिस तरीके से जो बच्ची हैं, अब उनको कैसे मानसिकता को कैसे आगे बढ़ाए, डेवलप कैसे करें, कैसे इन चीज़ों को सोचें कि ये बहुत बड़े लेवल का चीज़ है, इस पे काम कैसे करें, ये सब चीज़ कैसे शुरू की जाए। नहीं, आपके बिहार में वेट लिफ्टर्स की कमी नहीं है, अभी आप निकालने की है। आपकी प्लेयर है प्रतिमा कुमारी, CRPF में मेरे साथ काम कर रहा है एज ए कोच, डिप्टी कमांडेंट है CRPF में। और बेला रानी वो CICF में है, वो एज ए कोच था, अभी इनकी जो ट्रांसफ़र किया गया है। तो वो आपकी बिहार की अभी रिसेंटली यूथ जूनियर सीनियर अभी भुवनेश्वर में हुआ है, हमारे
उसमें दो जूनियर्स की रिकॉर्ड रखा है, तो आपकी यहाँ कोई बच्चे की कमी नहीं है वेट लिफ्टर की? वेट कठिन हर टारगेट, हर डॉक्टर बनना, एक जो डॉक्टर हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, कठिन तो है ही, लेकिन जो मैं बनना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए वो मुझे थामना है इंडिविजुअल ने, और इसका स्पिरिट हम भी आई है, हम भी इनकी मोटिवेट करेंगे। आज यहाँ नटराजन सर है, संधू साहब है, जितनी अच्छे आपने बुला के इनसे जो जितना मोटिवेशन बात बताई है, इसे बहुत आगे अभी चेंज आएगा और इतना कोई कठिन नहीं है। जी मैम, कोच की बात करें, वेट लिफ्टिंग में जो कोच होता है, और जो मतलब कि डाइटिंग की बात करें या फिर जो प्रैक्टिस की बात करें, वो किस रूप में किया जाए जो बच्चे वेट लिफ्टिंग में चाहे लड़का या लड़की बिहार में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जरा बताइए। जी कोच, अभी आज की मुद्दा कल से लेके आज तक की जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोच की कमी है, ये तो देख ही रहे हैं आपकी यहाँ कोच की कमी है, मेरे से गिने चुने होगा शायद 2-3-4 होगा, तो ये इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी आज की बहुत गरम डिस्कशन है पीटी, हम भी पीटी के अंदर से करके आया हुआ है, हम एक एनआईएस कोर्स के अंदर में ट्रेन करके नहीं आया, हम भी पीटी जो स्कूल गेम से हम आई है, तो वो ये एक तो एक जो बच्चा है इसे जुनून होना चाहिए मुझे क्या बनना है, ये जैसे थोड़ा खेल लिया तो मेहनत करना पड़ेगा, मुझे एम रखना पड़ेगा। संधू साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आज और मुझे क्या बनना है, ओलंपियन बनना है तो ओलंपिक की वो सामने रखे, हमारी जब हम इंडिया के में रहता है तो हमारी जो कोच है हमारा पाल सिंह संधू, इनके अंदर में हमने ट्रेनिंग किया था इन्होंने, और रशियन कोच के अंदर में इन्होंने लगा कि आपको स्नेस में कितना करना चाहिए, क्लीन एंजर करना चाहिए, आपके एम क्या है, तो हम बनना चाहता था ओलंपियन, रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, वो रिकॉर्ड स्नेस में कितना करना चाहिए, आज के दिन में स्नेस कितना कर रहा है मेरी कैटेगरी में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितना है, वो हम टारगेट रखती है, दाएं बाएं आगे पीछे हम छिपा के रखी है उस टारगेट को, क्योंकि बाकी हमने कुछ नहीं सोचा, जो हमने आया है तो जब उठ जाता है, तो मैं स्नेस और क्लीन एंड जग को कितना करना चाहिए, ये मेरी इसको क्रॉस करना है किसी भी हालत पे, तो इस तरीके से ये हम आपकी जो बच्चे हैं इनको भी गाइड करेंगे, और आप इस रिकॉर्डिंग को आप सभी को दिखाएंगे तो अपने आप भी समझ में आ जाएंगे। और इससे पहले बिहार आई थी या पहली बार गया? नहीं, मैं बिहार बहुत बार आ चुके हूँ, मेरी वेट लिफ्टिंग मेरी लास्ट ऑप्शन था, और मैं हॉकी प्लेयर हूँ, फुटबॉल प्लेयर हूँ, खो खो है, सारी नेशनल तक खेली है, पावर लिफ्टिंग सारी में, तो मेरी लास्ट ऑप्शन 1985 में मैंने वेट लिफ्टिंग को चुना है, इससे पहले मैं हॉकी, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी सारी खेली है, सारी नेशनल तक की है, तो मैं 1982 रांची में मैं हॉकी खेलने आई, बहुत छोटा था, छोटे थे तो रांची में खेलने आई है, फिर इसके बाद हम पुलिस में हैं, पुलिस की ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड यहाँ झारखंड में, और 2017 यहाँ आपकी बिहार ने यूथ जूनियर चैम्पियनशिप किया, तो हम जो गांधी मैदान है वहाँ पे चैम्पियनशिप कराई है, ये मेरे चौथे बार है, तो मैंने बिहार पे बहुत बार घूमी हूँ। बिहार में बहुत बच्चे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, देखा जाए बहुत बड़ा काम कर सकता है, आपकी बिहार की इन्हों में बहुत इंदुरेंस है, बहुत पावर है, बस इनको सही ढंग की गाइडेंस चाहिए। ये इनिशिएटिव जो आज दो दिन की जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे कितना इम्पैक्ट जो मिलेगा, इस ओलंपिक गेम की बात करें, बच्चों को आगे बढ़ने की बात करें, स्पोर्ट्स में नए अमूलचूल परिवर्तन आएंगे क्या इसमें? बहुत 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 चेंज आएंगे, बहुत चेंज, ऐसे चेंज आएंगे आपके सामने देखेंगे ये चीज़, क्योंकि आपकी जो बिहार पहले की जो नक्शा है ना, उसे पूरा पलक जाएंगे, ये मेरी मानना भी है, और ये देखेगी आपके सामने। धन्यवाद, थैंक यू। ये थी कुंजरानी देवी, जो कि वेट लिफ्टर में बड़े लेवल पे जो है मतलब एथलेटिक्स रह चुकी हैं, और देखा जाए तो जिस तरीके से मैम ने बताया कि बिहार में जो नया इनिशिएटिव है रविचंद्रन सर के द्वारा, जो ये कार्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं बिहार में बच्चे लोगों को वो इंस्पिरेशन मिलेगा कि कोच की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर आप बड़े लेवल पे जाने की बात करें, उनको सारे फैसिलिटी मिलेंगे और ज़रूर जो है वो आगे बढ़ेंगे और बिहार के बच्चे पूरे देश नहीं दुनिया में नाम करेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।